करके सोनी जी, राजेंद्र सोनी जी हमारे बीच में, एक बार इनके लिए ताली जरूर बजाएं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति बीच में साधक बनता है जो कि आपस में मिलवाता है, तो राजेंद्र सोनी जी के प्रयास से और आप सभी के जो इच्छा से कार्यक्रम हो रहा है, मैं सीधा माइक राजेंद्र सोनी जी को देता हूँ और उनसे निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। एक बार ताली दूंगा। एक हमारे जो डीटीसी के अंदर जो लंबे समय से यूनियन चलाते रहे हैं और एक जुझारू नेता मजदूरों के डीटीसी कर्मचारियों के प्रेम सिंह नागर जी से मैं कहूंगा अपना स्वागत करें। सिद्धेवा जी का अब जो हमारे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्रधान है सुखिंदर श्रीवास्तव जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज फूलों की माला इतनी चला दो जो कि मालाओं से फूलों की लाते हो। हमारे आईएसबीटी के प्रधान है राजवीर शर्मा जी, वो भी स्वागत करें। ये आईएसबीटी के राजवीर शर्मा जी है। अब जो आपने देखा होगा जो सड़कों में रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं वो जो सेवा करते हैं जो सूरज व्यक्ति जो गीता कॉलोनी के अंदर रहते हैं, हमेशा इन्होंने गरीब तबके की सेवा करते हुए सड़कों में एक्सीडेंट होते हॉस्पिटल पहुंचाने का सूरज व्यक्ति। अब हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऋषि पाल जी, ये हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के ऋषि पाल जी, वो स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी का अब मैं निवेदन करूंगा। एक हमारे बीच में हमारी बहन जी बैठी है जो एनडीएमसी यूनियन के अंदर लंबे समय से काम कर रही थी, वो आए और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बाकी अभी पहले सबके करवा दूं ना मैं। अब मजदूर बिहार बटालने का जो काम देखते हैं गुप्ता जी वहां पर है, ये बहुत जुझारू लीडर है हमारे संघ के गुप्ता जी। गुप्ता जी के लिए ताली अब हमारे जो नामलोई से है गुप्ता जी, दूसरे गुप्ता जी आ जाए नामलोई का काम देखते हैं। मुझे हो तो गुप्ता जी जैसे अब अपना द्वारका से शुक्ला जी अपना विनोद जी कराए काले कहां से, ये सब स्टैंडों के बता रहे जी वहां सारे दिल्ली के आ जाओ विनोद जी। अब अपना राणा जी भी आ जाओ, ये भी निजामुद्दीन सिंह है। अब हमारे पठानिया साहब जो साउथ दिल्ली का काम देखते हैं अपना दरियागंज के हमारे पंडित जी स्टैंड के आदि। अपने मोहम्मद सईद जी हैं वो भी आ जाएं और वो राज एक
भगवान राम की फोटो देनी है भाई साहब को, ये दिल्ली की धड़कन है हमारी, समझ लो। खुराना जी देना, खुराना जी के अंदर एक किरण जागती थी, वैसी जी हमारे अध्यक्ष का सदेवा जी ऑटो दिल्ली दिल्ली ऑटो ने 22 तारीख को मैं उनका भी जब ये 40 साल पहले हमारी यूनियन बनी थी दिल्ली के अंदर, एक छत्र राज जोड़ा करता था जबा साहब जी। जब ये यूनियन क्यों बनी थी दिल्ली के अंदर, ये कोविड के लोग क्या करते थे, हड़तालें करा देते थे दिल्ली के अंदर, जब 67 के अंदर भी मेट्रो पटरी थी हमारी, और जब खुराना जी और केदारनाथ स्वामी जी और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा दिल्ली के अंदर एक यूनियन हमारी बननी थी, तो वो यूनियन बनी। बनने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ, मगर अब क्या है, हमें ये लग रहा था पिछले हम तीन चार सालों से हम इस परिवार से दूर हो गए हैं। जिस तरीके से खुराना जी मीटिंग बुला लेते थे, इस यूनियन को बुलाओ, उसको बुलाओ, दिल्ली में हल्ला मचाते थे, दिल्ली बंद, और हमारे संगठन के लोग भी मजबूती से काम करके दिल्ली को बंद करवाने में प्रमुख रोल अदा करते थे। और मैंने वो किरण देख रहा हूँ मैं, माननीय अध्यक्ष जी सत्यनाथ जी के बीच में आज सारे लोग बैठे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बता था दिल्ली के अंदर, क्या हम किसकी समस्या किसके पास ले जाए। और आज मेरे को पूरी जैसे खुराना जी के अंदर उम्मीद थी, इस आदमी का गरीब आदमी का काम होना चाहिए, जैसे हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री दो धन्यवाद करूंगा, 1000 जो उन्होंने साइड बना के दे दिया हाईवे पे, और वही आज मैं सत्यवा जी के चेहरे पे देख रहा हूँ, जो कि एक गरीब आदमी आपके कार्यालय के अंदर आए हैं, इनके पास पुलिस की दिक्कतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, उसके बाद वो ओलो ओवर कंपनियां नंबर 2 में गाड़ियां चला रही है, तो पुलिस से हमारी मदद करवाए, ये आज बहुत बड़ी आस लेके आए हैं आपके पास, पूरी दिल्ली के प्रधान है ये सारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पिछली बार क्या हुआ था, इलेक्शन का टाइम था, मेरे को श्याम जाजू जी ने बुलाया, कहते भाई दिल्ली के अंदर क्या होगा, जब वो फरवरी थे, मैं कहा दिल्ली के अंदर वो होगा 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, और इन लोगों ने कैंपेन करा हर सवारी को, विश्वारी दिल्ली के अंदर भी 7 सीटें बीजेपी के लोग, आज हम फिर आपको विश्वास दिलाना है, इनका माँ बाप कोई नहीं है खुराना जी के बाद, आप हो, और पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं दिल्ली के अंदर 7 सीट आपकी झोली के अंदर हम लोग, मैं इतनी बात करूंगा, धन्यवाद करूंगा, और बाकी नगेंद्र जी प्रेम सिंह नागर जी से अपना मंच को थोड़ा संभाले। ये सारा विषय रखती है मेरे मन में जो दर्द है, तो मैंने लगभग 32 साल मजदूरों का डायरेक्ट काम किया है, आज भी मैं हिंदू जागरण मंच में काम किया दायित्व है मेरे पास में, जो मेरे अंदर दर्द है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हर जो भी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो कम्युनिस्ट है, सबने अपनी एक विंग बनाई है, और वो आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के खिलाफ इंटरनल प्रदर्शन किया हो, और कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रदर्शन किया हो, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने 16 अप्रैल 2001 को अटल जी सरकार के खिलाफ किया, और फिर नवंबर 2017 में मोदी सरकार के लिए भी, तो मेरे अंदर एक तीस थी, दर्द था, तो मैं उस दर्द को कहीं ब्याह करता था तो कहते थे राजनीति में जाना चाहता है क्या, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता भाई, घर की बात है घर में कर लो, कोई बात आपको किसी तरह से कोई शिकायत है तो घर में की जा सकती है। तो आज केवल यहाँ पर कभी मुझे राजेंद्र स्वामी जी ने बताया कि केजरीवाल को लाने वाले में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की रही तो ऑटो ड्राइवर की रही, क्योंकि हम तो
60 साल के लिए आप 2400 घंटे उस पर बैठ करके जो सवारी ढो रहे हैं पीछे लगा रखा है वो करना सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार आपने किया, और उस प्रचार प्रसार के बाद में रिजल्ट क्या आ रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी योजना को स्टेट में लागू नहीं होने दे रहा। उसका केवल इतना है कि इसका श्रेय भाजपा को ना चला है। तो हमें सबसे ज्यादा अभी 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज के लिए, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है। तो मैं ज्यादा विस्तार से भी कुछ बात करना चाहता, मैं केवल ये आज आश्वासन देने के लिए आए हम कि जो हुआ हो गया, लेकिन अब यहाँ का जो ऑटो ड्राइवर हो, केवल ऑटो ड्राइवर नहीं है, यहाँ पर यहाँ डीटीसी का भी प्रतिनिधित्व है, एनडीएमसी का भी प्रतिनिधित्व है, यहाँ पर और भी लोग आ जाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी जितने लोग हैं। आज इन सब ने मन बना लिया है कि हमको ठग लिया, जितना ठगना है आगे हम ठगाई में नहीं आने वाले। हम पूरी तरह से अभी हमारी लोकसभा और विधानसभा तक हमारी कोई मांग नहीं है, हम कोई मांग करेंगे भी नहीं, हम कोई मांग नहीं करेंगे। हम सेंटर में और स्टेट में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन संजय गांधी को अपने अधिकार के साथ पकड़ के अपनी मांगों को मांग करेंगे। तो साथियों आज आप सब लोगों ने यहां पर भाग लिया संदेहबाजी का हौसला बढ़ाने के लिए, और आपने उनका स्वभाव देख लिया किस तरह का स्वभाव है। ऐसे हमको दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मिले हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, और हम भी इनका हाथ में हाथ मिलाकर इनका मजबूत करेंगे। और अरे 50-50 क्या भाई, जो मोदी जी ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य रखा है उसके हिसाब से कम से कम 7 होनी चाहिए भाई। लेकिन उस तरह का दृश्य बनना चाहिए कि दोनों का सीटा साफ हो, सब विधानसभा पर हम मेहनत करें, सब लोकसभा पर हम मेहनत करें। इस के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, डिमांड है वो हम मनवाएंगे करेंगे सारी चीजें हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा तक हम कोई अपनी डिमांड नहीं रखेंगे। हम केवल और केवल एक ही चीज के लिए काम करेंगे कि सादर विधानसभा को 70 विधानसभा पर और सादर लोकसभा पर हमारे कैंडिडेट विजयी हो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम करने के लिए हम संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ, और एक बात यह कहकर के सत्यवादी जिस तरह से हर राजनीतिक पार्टी का एक दिन है जो केवल उसके लिए काम करता है, जैसे मैंने भारतीय मजदूर संघ में लंबे समय तक काम किया, लेकिन वो गैर राजनीतिक और किसी चीज को लेकर के अपने लोगों के खिलाफ, हमारा एक ऐसा होना चाहिए दिन। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी मजदूर मोर्चा बनाया गया था, किन्हीं कारणों से बंद किया। यहाँ पर भी आपने हर तरह का मोर्चा बना रखा है, एक मजदूरों का भी मोर्चा यहाँ पर काम करे, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस विषय को रखेंगे कि भाई भारतीय मजदूर संघ अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे लिए डायरेक्ट कौन काम कर रहा है, हमारे लिए भी मजदूरों का एक मोर्चा हो इस दिल्ली में जो हम डायरेक्ट भाजपा के लिए काम करें। जय हिंद जय भारत। पार्टी जिंदा रहना चाहिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीमान नागेंद्र जी, कुमार वैद्य जी, योगेंद्र श्रीवास्तव जी, ऋषिपाल जी, राजवीर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे परिवार के माननीय सदस्य, मैं प्लेस हूँ, अभी 2 मिनट में फोन कर रहा। बचपन से अब तक कई बार ऑटो में बैठने का अनुभव मिला है, एक बार तो चलाया भी है मैंने रामलीला मैदान। सर्दी गर्मी बरसात में जब हम अपना सर ढक कर छुप कर इस उम्मीद के साथ कि ऑटो वाला भैया इधर प्लास्टिक का कवर लगाएगा ताकि हमें हवा ना लगे, लेकिन जब उनको आगे बैठता वो देखता था और चलाते हुए देखता था
और मन में ये भी सोचता था कि ये हमारी सुविधा का तो ख्याल रखता है लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा ये भी सोचता था। और उसमें भी जब ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति देखता हूँ तो फिर ये लगता है कि दिल्ली में हमारे जैसे लोगों का काम क्या है कि इतनी उम्र में भी अगर इस बुजुर्ग को तो चलाना पड़ रहा तो इसका मतलब हमारे संस्कारों में नहीं कम। ये भाव मन में आते हैं। आप लोगों ने राजनीतिक भाषण बहुत सारे सुने होंगे। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैंने भी बचपन में एक एक रुपए की मजदूरी की है, इसलिए मुझे पता है कि उस एक रुपए की महत्व क्या है। माथे से टपकने वाली पसीने की कीमत मैं जानता हूं, उसका कोई मोल नहीं है, इसलिए कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आसमान से तारे तोड़ रहा हूं, मैं ये काम करता ही नहीं ना मैं करूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जिस दिन दिल्ली का एक आम आदमी, वो चाहे आप में से कोई हो, जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा उस दिन मेरा काम खत्म हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मेरे जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया। जिंदगी में नहीं सोचा था, आज भी त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, वही बिहार साथ में त्रिलोकपुरी डीडीए के फ्लैट में रहता हूँ। जिस दिन अध्यक्ष बना आया था भाई आपकी लूटें जो मैं बंगला लूटूं, मैं कहा नहीं, जिस दिन मुख्यमंत्री बना दूंगा उस दिन सोचूंगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा। मुझे मालूम है तकलीफें बहुत सारी हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है मल्टीपल एजेंसी, कौन सा विभाग किसके पास है। डीटीसी वालों को पेंशन नहीं मिल रही थी, मैं उनके 5 प्रदर्शनों में गया, रमेश धूड़ी प्रवेश वर्मा अपने सांसद लेके गए, जिस प्रदर्शन में जाता था उसे 1 महीने की मिल जाती थी, फिर रोक देता था, लगातार दबाव डाला तो अब जाके माइक पर के बोलता कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आप सबको पेंशन दे रहा हूँ, तो हम भी एहसान नहीं कर रहे भैया, हमारा हक था, हमने छीन के लिए दे रहे और तुझे देना पड़ेगा। आप लोगों की जो डिमांड है ना, ये आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, उसकी ड्यूटी है करना, वो अपनी ड्यूटी से बाहर है। आप लोगों को 10-10 वादे दिखाए थे उसने चुनाव लड़ने से पहले, और आपके स्कूटर पे लगाई हुई थी मुख्यमंत्री बना तो मैं ये करूंगा, आज जब बात करो तो बात नहीं करता है। किसको बिजली का फ्री मिल रहा है, किसको पानी फ्री मिल रहा है, मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ त्रिलोकपुरी में आज भी नीचे पानी नहीं आता, आज भी गंदा पानी आता है, एक घंटे के लिए मोटर चलती है तो कीचड़ों ने तो वो भी खत्म, और उसके ऊपर टैंकर माफिया जो काम कर रहे संगम यार के, कौन सा वाइफ से मिले हुए, क्या टैंकर माफिया कैसे लूटता है पानी वहां पर, हफ्ते में 1-2 दिन आएगा उस पर टैंक लगा के खाते, ऐसे दिल्ली में रह रहे हैं क्या। जिस पुलिस वाले का मन आता है आप ऑटो को हाथ रोकते और काम खत्म, कुछ देके जाओगे तो ठीक है, नहीं तो जा रहा। ऐसा नहीं की चीजें नहीं पता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत। अभी नागेंद्र जी योजना या नागर साहब बता रहे थे, आप सोचो जी जब कोविड आया कितनी मुसीबत थी, घरों के चूल्हे बंद हो गए थे, तब ये प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि मैं सब गरीबों को सबको राशन दूंगा फ्री, और आज तक दे रहे हैं, और अभी घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक देता हूं 10 किलो राशन एक परिवार।